की बात करें तो सबसे पहले हम सभी की जुबान पर मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का नाम आता है। उनकी कॉमेडी वाकई में लोगों को इतनी भा गई है कि कोई भी हंसी के ठहाके लगाए बिना रह ही नहीं सकता है। और कपिल की इसी दमदार कॉमेडी ने बना दिया है उनको कॉमेडी का किंग। जी हाँ, आज के समय में कपिल शर्मा को कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है। तो आज हम भी कपिल के बारे में ही कुछ बताने वाले हैं, तो चलिए हो जाइए तैयार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। वैसे फ्रेंड्स, देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जिसे वो जी जान से चाहने लगता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था कपिल शर्मा की लाइफ में। और ये इंसान कौन है, ये तो शायद आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी प्यारी सी वाइफ गिन्नी चतरथ की। शो आज हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे कपिल ने गिन्नी को अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर बना लिया था। क्या कपिल को गिन्नी आसानी से मिल गई थी, या फिर कपिल ने भी प्यार के पापड़ बेले थे? कपिल की लव स्टोरी कैसी थी, चलिए बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, कपिल शर्मा को गिन्नी काफी मशक्कत के बाद मिली थी। उनको भी गिन्नी को पाने के लिए काफी वक्त लगा था। कपिल की लव स्टोरी भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर कपिल और गिन्नी की मुलाकात कैसे हुई थी, और इन दोनों की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल कपिल और गिन्नी कॉलेज के दिनों से ही दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे को करीब 13 साल से जानते थे। जानकारी के लिए बता दें कि कपिल साल 2005 में पहली बार गिन्नी से मिले थे। बता दें कि उस वक्त कपिल की उम्र 24 साल और गिन्नी की उम्र 19 साल थी। वहीं गिन्नी जालंधर के एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि कपिल हैं अमृतसर से। वहीं कपिल करियर की शुरुआती दिनों में थिएटर के शो डायरेक्ट किया करते थे, और वो अलग अलग कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स के ऑडिशंस लिया करते थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है भवनीत चतरथ से, जो कि अब उनकी गिन्नी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गिन्नी की एक्टिंग देखी तो उनके फैन ही हो गए, और उन्हें अपने प्ले का हिस्सा भी बना लिया था। एक्चुअली में गिन्नी का ड्रीम था कि वो भी एक्ट्रेस बने। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत भी की थी, और वो पहली बार टीवी पर साल 2009 में नजर आई थी। ये एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था, हंस बलिए, जिसका हिस्सा कपिल शर्मा भी थे। लेकिन इस शो के बाद गिन्नी को पंजाबी फिल्में और टीवी से ऑफर्स आने लगे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला ले लिया था। वहीं उनकी फैमिली की अगर बात करें तो गिन्नी घर में बड़ी हैं, उनकी एक छोटी बहन है। एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद गिन्नी ने अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाने का फैसला लिया था। गिन्नी ने फाइनेंस में MBA किया है। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी और कपिल का प्यार भी धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, लेकिन कॉमेडी के बादशाह कपिल हो गए थे इसमें फेल। जी हाँ, दरअसल कपिल हो चुके थे रिजेक्ट। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी और कैसे कपिल रिजेक्ट हुए थे। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका खुलासा तो खुद कपिल शर्मा ने ही किया था। दरअसल कपिल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी और गिन्नी की मुलाकात रोज होने लगी थी, तब गिन्नी कई बार उनके लिए घर से खाना लेकर आया करती थी। उन्हीं दिनों एक दोस्त से पता चला कि गिन्नी मुझे पसंद करती हैं। इस बात ने मेरे दिल दिमाग में खलबली मचा दी थी, और कुछ और करने की बजाय मैंने खुद गिन्नी से जाकर पूछ लिया कि वो मुझे पसंद करती हैं। तो गिन्नी ने हाँ में जवाब दिया था, और इस तरह हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हम दोनों की दोस्ती और रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। वहीं करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं मुंबई चला गया। यहाँ मैंने कई ऑडिशंस दिए, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि एक दिन कपिल ने गिन्नी को फोन करके कहा कि वह अब उनसे कोई संपर्क ना करें, क्योंकि इस दोस्ती और रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कपिल ने इसलिए कहा क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। गिन्नी के परिवार वाले उस समय कपिल से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। इतना ही नहीं, कपिल ने आगे ये भी बताया कि लगातार कोशिशों के बाद एक शो के लिए उनका सिलेक्शन हो गया था।
गिन्नी को ये बात पता चली तो गिन्नी ने फोन करके उनको बधाई भी दी थी। उसके बाद मेरा काम चल पड़ा। मेरी कमाई देखकर माँ रिश्ता लेकर गिन्नी के घर पहुँच गई, लेकिन गिन्नी के पापा ने बड़े ही प्यार से रिश्ता को ठुकरा दिया था। उसके बाद मैं काम में व्यस्त हो गया और गिन्नी अपनी पढ़ाई पूरी करने में बिजी हो गई। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा का ये भी कहना है कि जब कपिल मुंबई में अच्छे से सेट हो गए थे और उनका करियर भी बहुत अच्छा चलने लगा था, तो एक बार फिर से गिन्नी और उनके रिश्ते की बात शुरू हुई थी, क्योंकि माँ इन दोनों ही परिवार वालों को जानती थी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। किस्मत ने साथ दिया और इस बार बात बन गई। गिन्नी के परिवार वाले मान गए और कपिल और गिन्नी की शादी तय हो गई। इस तरह 13 साल बाद रिश्ता शादी में बदल गया। वहीं जब उनका ये रिश्ता पक्का हो गया तो कपिल ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर शेयर करके दी थी। आपको याद होगा कि कपिल ने 17 मार्च 2017 के दिन पहली बार गिन्नी और अपने रिश्ते की बात दुनिया को बताई थी। उन्होंने ट्वीट करके गिन्नी को बेटर हाफ कहा था और फिर दोनों ने बुधवार के दिन 12 दिसंबर 2018 को शादी कर ली। और अब इन दोनों की जिंदगी में आने वाला है एक और तीसरा मेहमान। जी हाँ, गिन्नी बनने वाली हैं माँ। वहीं कपिल और उनकी माँ नन्हे से मेहमान का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। तो फिलहाल ये दोनों ही कर रहे हैं अपनी लाइफ को जमकर एंजॉय। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसी थी कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा और गिन्नी चतुर्थ की ये लव स्टोरी। और आज ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और जल्दी ही कपिल के घर नन्ना सा मेहमान भी आने वाला है। जी हाँ, गिन्नी चतुर्थ बनने वाली हैं माँ। वहीं कपिल और उनकी माँ नन्ने से मेहमान का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। सो फिलहाल ये दोनों कर रहे हैं अपनी लाइफ को एंजॉय और हम चलते हैं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी मशहूर शख्सियत की लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके बता सकते हैं।